ये देख सकते हो आप लोग, ये है अपना 4400 का। अब देखते हैं इसको कितने का सेल कर पाते हो भाई। क्वालिटी सही है नहीं भैया? ग्राहक खुश तो मैं खुश। भारत के नंबर वन पता है ये 500 का ना। खून बढ़ा के दवाई भाई, है कोई खाने वाला? भाभी कहा का था तुम बोला? और ये है पब्लिक बुलाने का मशीन। ये दोस्तों यहाँ पास मैंने ये देख सकते हो, सब गिनते हैं कितना रुपए है, 5, 10, 15। दोस्तों कैसे हो आप लोग, वापस से सभी का स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। और अभी भाई साहब मैं पहुंच चुका हूं सब्जी मंडी, ये देख सकते हो भाई। और अभी सुबह के 11 बज रहे भाई, प्लस अभी मेरे को जितना वेजिटेबल्स लेना था ले लिया, प्लस लेने के बाद डाला इस पर ये पिकअप पे भाई। और आज मैंने खरीदा है 4444 रुपए का वेजिटेबल। कौन कौन सा वेजिटेबल है वो अभी आप लोग को मार्केट में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं भाई साहब कि आज अपन 4400 के वेजिटेबल्स को कितने का सेल कर पाते हैं, कैसा प्रॉफिट होता है भाई। और ये गाड़ी है इनका परसू भाई साहब का, और परसू चले तो चलो भाई साहब अब चलते हैं इन सबको सेल करने मार्केट, देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहता है, कैसा सेलिंग होता है भाई। तो चले मित्र, चलो भाई। और ये देख सकते हो मेरे साथ गाड़ी पे इतने पब्लिक और है भाई, बहुत तेज हवा है भाई, तो भाई को देख के पहुंच नहीं रहा होगा। तो दोस्तों अभी फाइनली पहुंच चुके भाई हम लोग मार्केट, काठा कोनी नाम है भाई साहब मार्केट का, ये देख सकते हो आप लोग मार्केट अभी भाई साहब। तो चलो अभी गाड़ी से उतारते हैं सब्जियों को नीचे, और यहाँ अपना स्थान है भाई, यहाँ लगेगा दुकान, तो दुकान लगाते हैं। अभी दुकान लगा ही रहे थे, पूरा लगा नहीं है भाई, ये देख सकते हो आधा लगाया है। और अभी कस्टमर आ चुके हैं भाई, 2 किलो या 2 किलो। तो भाई साहब अभी फाइनली पूरा सामान लगा लिया है मैंने, ये देख सकते हो आप लोग भाई। इधर के ये 2 आइटम बच गया था, करेला और लाल भाजी, और इधर टमाटर, बैंगन, भिंडी। टमाटर 20 रुपए किलो भैया, क्वालिटी सही है कि नहीं भैया? बहुत बढ़िया टमाटर है, क्वालिटी बहुत बेहतरीन है भाई, जल्दी जल्दी सेल हो रहा है टमाटर जो है। दीदी कितना किलो? 2 किलो देना, आओ देना। क्या किलो लेना है भैया टमाटर? 2 किलो टमाटर दो। हाँ भाई, वैसे तो मैंने टमाटर इसको 400 रुपए कैरेट में खरीदा है, एक कैरेट में 25 केजी रहता है भाई, और टोटल 8 कैरेट टमाटर लेके आया हूँ भाई साहब, और 20 रुपए केजी बेच रहे हैं, देख सकते हो कस्टमर भी है अभी। ए दीदी 2 किलो ए ले माता ए ले, एक ठो मेरे तरह से भाई, ग्राहक खुश तो मैं खुश। हाँ सेव है 100 रुपए भाई। टमाटर 20 काला, भिंडी 20, भाटा 30, लाल भाजी 20 के 6, करेला 20 रुपए किलो। एल दीदी और भाई सब भिंडी की बात करें, भिंडी को मैंने लाया 7 रुपए पे, इसको 20 बेच रहे हैं। बैगन लाया अपन 15 पे, इसको 30 बेच रहे हैं। प्लस लाल भाजी है 150 रुपये सैकड़ा का, 20 का 5-6। और करेला है भाई साहब अपना 12 रुपये का, उसको बेच रहे हैं अपन 20 रुपये केजी, यही रेट है। और पूरा ये सब सब्जियों की बात करें भाई, तो ये है अपना 4400 का। अब देखते हैं इसको कितने का सेल कर पाते हैं भाई। और ये सभी चीज़ों को मैं कस्टमर के सामने ही बता रहा हूँ यार। कितना किलो दाम भैया? 2 किलो ए लो भैया, 2 किलो चले आओ भाई। टमाटर 20 20 रुपया किलो पता ले भैया। टमाटर क्वालिटी कैसा है? एक नंबर, काफी मस्त क्वालिटी में भाई सब टमाटर देख सकते हो, 20 रुपए में बहुत अच्छे तरीके से सेल हो रहा है। आ भाई टमाटर 20 हो गया, टमाटर 2 किलो भैया। करेला 20 रुपए किलो भैया कोई 40-50-60 वाले काम नहीं है भैया।
भारत के नंबर वन पताल है, छत्तीसगढ़ के फेमस पताल, 20 रुपए किलो मात्र। एक किलो भैया, ए भारत के नंबर वन टमाटर लो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो ले लो। चलिया भाई, अच्छा ओए, ये करेला, करेला 2 रुपए 30 है मामा, अब 8 पर 10 के आधा किलो है। हाँ 8 पर 10 के आधा किलो भाई साहब। अभी ना मार्केट थोड़ा स्लो लग रहा है भाई, तो भिंडी तो बैगन जो है अपन 30 बेच रहे थे, उसको अभी मैंने 20 रुपए कर दिया है। और 500 का नोट भाई, ये 500 का नोट बहुत ज्यादा मिलता है मार्केट में, 10 का सामान और 500 का नोट ना भैया। तब यार हाँ मिल गई ना सामान ले लेता, पूरा 20 रुपए खाने का आइटम। मम्मा आधा किलो ये दे, आधा किलो तो करेला ले जाएगा। भाई ना भाई सिखाने वाला है भैया, 2 किलो है दे। सब भाजी दो, 20 रुपए करेला, 20 रुपए किलो टमाटर, भाटा। तो गर्मी में इसी आदमी मने थी मरा थे। अच्छा सब भाजी 20 रुपए का, दाल भाजी टमाटर 20 रुपए किलो, करेला 20 रुपए किलो, करेला 1 किलो 15, 1 किलो 15 करेला भाई साहब, 20 वाला करेला 15 रुपए किलो भाई, 15 रुपए किलो करेला, जिला खाना है तेला भेज नहीं भाई, 10 रुपए नहीं आ गया, 10 रुपए खरीदी नहीं, 10 नहीं 10 नहीं, 10 रुपए में करेला बोल रहे हैं भाई साहब, 10 में कहाँ करेला आएगा। ये सब भाजी के बेस है, कोई लाल भाजी खाने वाला, खून बढ़ा के दवाई भाई 20। अरे कोई तो ले जाना, चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया, जितना सेल करना था सेल हो गया भाई साहब। इतना सारा भिंडी बहुत ज्यादा बचा है, थोड़ा बैगन, थोड़ा सा टमाटर 1 कैरेट के आसपास होगा, और ये लाल भाजी भाई, लाल भाजी बहुत ज़्यादा बचा है, इधर झोला पे बचा है पूरा, देख सकते हो ये पूरा लाल भाजी है भाई, ये देखो सेलिंग नहीं था। और करेला बच गया इतना से यार, टमाटर का ही सेलिंग बहुत बढ़िया था, टमाटर सबसे अच्छा तरीके से सेल हुआ, फिर बाकी सबका सेलिंग तो जीरो है भाई, ठन ठन गोपाल है। तो दोस्तों अभी ना जो सामान बचा हुआ था भाई, उसको उठा के डाल लिया अपन ने गाड़ी पे, ये देख सकते हो भाई थोड़ा थोड़ा वेजिटेबल्स बच गया है। और अभी हम लोग मार्केट से निकल रहे हैं भाई घर के लिए, सब हो गए, सब हो गए, ये सब लोग अपने साथ में आए थे भाई साहब। तो चलो भाई निकल रहे हैं घर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, अभी बज रहे हैं सुबह के 6, और अभी भाई साहब मैं कल का जो वेजिटेबल्स अपना बाकी है ना, उसको लेके जा रहा हूँ सेल करने। ये देख सकते हो भाई कल का अपना बचा वाला वेजिटेबल्स, इधर है अपने पास इसमें करेला और बैगन, और इसमें भिंडी बचे भाई इतना सारा, और ये लाल भाजी, और ये टमाटर। तो अभी इनको लेके जा रहे हैं बेचने, देखते हैं कितने का बिकता है, फिर आके देखेंगे भाई कि टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, उसको आगे बताता हूँ। तो चलो चलते हैं भाई, ले भाटा भिंडी करेला टमाटर, ले भिंडी भाटा करेला टमाटर, लाल भाजी है। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह मैं आया भाई यहाँ पास बेचने, ये देख सकते हो भाई मेरी आवाज़ मारने से कस्टमर आ जाते हैं भाई, और जस्ट देखो भाई कस्टमर आ रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग, दादी लोग आ रहे हैं भाई।
तो चलो यार थोड़ा सा और आवाज मार ले रहा हूँ, क्या पता एक दो घर वाले और सुन ले। ले भिंडी भाटा करेला टमाटर लाल भाजी पताल वैसे तो 30 बेचा था तोर पर 20 लगा हूँ, सियान हंसना। और इधर एक और कस्टमर आ गया भाई, भाभी का था तुम लोग नहीं चल रहा घर ले वापस, एक नंबर भिंडी है एकदम। क्या किलो मेला करेला भी 20 रुपये, करेला थोड़ा सा डाउन है। यहाँ पास मैंने ये देख सकते हो भाई 80 रुपये की सेलिंग करी, तो चलो अब इधर से चलते हैं अपन आगे इधर भाई। तो दोस्तों अभी उधर से सेल करने के बाद मैं यहाँ, और यहाँ देखो कस्टमर मिल चुके भाई, 1.5 kg टमाटर देना है इनको। चलो भाई कस्टमर चले गए, अब बस पैसा लेना है इनसे, तो 20 रुपये लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपन आगे। ये भाटा भिंडी करेला टमाटर लाल भाजी। तो दोस्तों अभी आए भाई अपन यहाँ पास, और ये देख सकते हो पीछे दीदी ले रही है भाई टमाटर, और इन्होंने करेला भी खरीदा है 1/2 किलो बस दीदी। चलो इसको वजन करते हैं भाई साहब टमाटर को। हाँ घर ले 20 और 10 30, ठीक है 30 रुपये मिल गया भाई। तो चलो अब चलते हैं इधर से आगे, इस साइड और चलते हैं, देख सकते हो पीछे रोड बन रहा है भाई साहब, तो पूरा रेट वगैरह है, पता नहीं गाड़ी जाए कि नहीं आगे। भैया आगे चल दी गाड़ी का इति चल दी ना आराम के साथ। क्या रखे हो आप? ये देख सकते हो भाई साहब, ये है ब्रेड, और ये है पब्लिक बुलाने का मशीन। ये हाँ मेरा पूरा टमाटर खत्म भाई, यदि 20 दे दे दाई हो, 1.5 किलो है वो, दे दे वो, दे दे वो 10 में ले लिए भाई पूरा। ये देख सकते हैं इतना सारा टमाटर मात्र 10 रुपये में भाई, लगभग लगभग 2 kg के आसपास है, 5 रुपये किलो एल खत्म, टमाटर पूरा फिनिश हो गया। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और अभी मैं सब्जी बेच के पहुंच गया भाई घर, और सुबह 6 बजे के गए हुए थे, मात्र 1 घंटे पे खत्म भाई। ये देख सकते हो आप लोग अपना बैगन खत्म, करेला खत्म, इधर था भाई टमाटर वो भी पूरा बिक गया, और लाल भाजी भी जो बचा था ना वो भी पूरा खत्म हो गया भाई, सिर्फ ये भिंडी बस बच गया यार। ये देख सकते हो आप लोग बहुत सारे भिंडी का सेलिंग नहीं हुआ है भाई, भिंडी बच गया भाई, फिर भिंडी छोड़ के बाकी जो वेजिटेबल्स था वो सेल हो गया। तो सबसे पहले मैंने टमाटर खरीदा था 400 रुपए कैरेट पे, 8 कैरेट, 1 कैरेट में 25 kg रहता है भाई, और उसके बाद मैंने खरीदा था भिंडी 7 रुपए kg पे, 40 kg अपना भिंडी था, और मैंने खरीदा था भाई साहब लाल भाजी, लाल भाजी को लिया था मैंने 150 रुपए सैकड़ा, मतलब 100 पीस का 150 रुपए पे 200 पीस लाल भाजी खरीदा था, और मैंने खरीदा था बैगन, बैगन को लिया था मैंने भाई साहब 15 रुपए kg पे, 18 kg बैगन, और था अपने पास करेला, करेला को मैंने लिया था भाई साहब 12 रुपए kg पे 30 kg। तो ये सब का कैलकुलेशन करे ना, मैंने पहले ही कर लिया है, तो आप लोग एक बार और कर लेना, ये सब का कैलकुलेशन करे तो ये हो जाता है अपना 4410 रुपए। तो 10 रुपए को नेग्लेक्ट कर देते हैं भाई, अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 4400 रुपए का पूरा ये वेजिटेबल्स था, और जिसको भाई साहब आप लोग देख सकते हो इतने रुपए का मैंने सेल किया है। और पहले आप लोग को बता दूं कि इसमें से भाई साहब 150 रुपए मैंने गाड़ी भाड़ा दिया पिकअप वाले को, जिस पिकअप पे अपन सामान लेके गए थे उसमें, तो अपना गाड़ी भाड़ा देने के बाद इतने रुपए अपने पास बचे भाई। और इसमें एक चीज और कि यार मार्केट में ना चिल्लर का समस्या होता है भाई, लोग जो है 500 के नोट देख सकते हो बहुत लेके आते हैं, तो 3500 रुपए मैं जो है चिल्लर लेके गया था घर से, तो सबसे पहले इसमें से 3500 रुपए अपन बाहर कर देते भाई, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ये 3500 रुपए हो गए अपने बाहर। तो अब इतना रुपए ये है अपना सेलिंग भाई साहब, गिनते हैं अब कितना रुपए है, आप लोग के सामने गिन रहा हूं मैं, ठीक है 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये 4400 रुपए अपना मूलधन भाई, जितना का वेजिटेबल्स था वो, तो इसको भी रखते हैं साइड में, और ये है अपना प्रॉफिट। तो चलो आप लोग के सामने गिन दे रहा हूँ भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 500 रुपए ये है, फिर 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 13, 2, 15, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, ये अरे भाई साहब जल्दबाजी, फिर नोट ही बाहर हो गया यार, 2 टुकड़े हो गया 10 का नोट, तो चलो ये बैंक में वापस हो जाएगा, 29, 30, 31, 32, मतलब 320, तो 5, 3, 8, 820 रुपए।
₹820 का अभी मेरे को शुद्ध रूप से प्रॉफिट हुआ है भाई। और अभी अपने पास भिंडी बचा है भाई, तो देखो भाई साहब टोटल ₹4400 का अपना वेजिटेबल्स था, जिसको मैंने टोटल ₹5620 का सेल किया था भाई, जिसमें से ₹150 गाड़ी भाड़ा प्लस ₹250 अपना उधारी चला गया, तो शुद्ध रूप से अपना ₹800 बाकी है। हालांकि अपने को कैलकुलेशन करना तो प्रॉफिट अपने को ज्यादा होना था, लेकिन भाई प्रैक्टिकल और थ्योरी पे बहुत फर्क रहता है। और बहुत लोग बोलेंगे कि भाई 4400 के वेजिटेबल्स हम लोग ज्यादा अर्न कर लेते हैं ऐसा करके, तो मे भी हो सकता है आप लोग ज्यादा अर्न करते होंगे, ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहता है। इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मैं आशा करूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा उसको कमेंट जरूर करना, चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय। ये है पब्लिक, है पब्लिक, जन जन जनता देखा थे, जनता जन दर्शन, जन दर्शन, नहीं 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 यूट्यूब कर रहा था, व्हाट्सएप नहीं कर रहा था, यूट्यूब में जाइए सीधा, आ ही तो देख भी।